मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आज है संडे 19 फेब और आज मैं एक व्लॉग बनाने वाली हूँ। अभी मैं आटा गूंद रही हूँ तो हाथ मत देखना। तो फिर इसके बाद मैं आटा गूंद के कुछ खाने की ब्रेकफास्ट की थोड़ी सी प्रिपरेशंस करूँगी और उसके बाद हम निकलेंगे गुड़गांव। गुड़गांव क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे एक पर्पस है। साथ में जाएंगे भैया, भाभी, डुब्बू और डुब्बू के पापा। उसके बाद हम वहाँ पे जाके कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसको देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए अभी आगे मिलते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा किचन का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो जल्दी जल्दी से अभी हम यहाँ पर आटा गूंद लेते हैं। आटा ऑलमोस्ट गूंद गया है, इसके बाद मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी थोड़ा सा घी। घी लगाने से क्या होता है कि आटा हमारा सूखता नहीं है। और मैं आटे को भिगो के थोड़ी देर रखती हूँ, फिर रोटियाँ बनाती हूँ, इससे रोटी सॉफ्ट बनती है। उसके बाद मैंने अपना जो रात से बर्तन वॉश करके रखे हुए थे वो सारे उनके जगह पर सेट कर दिए थे जल्दी जल्दी से, ताकि फिर मैं अपना किचन को समेट के आगे का ब्रेकफास्ट का काम शुरू कर पाऊँ। जब तक मैंने बर्तन वगैरह सारे जचाए थे, मेरे को विक्रांत ने बोला कि मेरे को कॉफ़ी पीनी है, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी बीट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें गरम बॉइल्ड मिल्क जो है वो डाल दिया था। इससे जो कॉफ़ी का टेस्ट आता है वो काफ़ी एनहेंस्ड आता है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। फिर उसके बाद मैं कॉफ़ी ले कर ऊपर गई। गुड मॉर्निंग, मैंने विक्रांत को कॉफ़ी दे दी है, अभी जस्ट कुछ काम नहीं है। देखो मैं व्यू दिखाती हूँ, इस साइड से सनराइज होता है, इधर मेन रोड है और इस तरफ पूरा खेत खेत है। गांव है हमारा, इस साइड ये हमारा गांव है, गांव के खेत है और उस तरफ जो है गांव है। ये एक फैक्ट्री भी है यहाँ पे, कुछ बहुत अच्छा सा व्यू होता है, ग्रीन ग्रीन पूरा। और ये हमारा नीचे का व्यू। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं, किचन का कुछ और काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, फिर हमें निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है प्याज और पालक का पराठा विद दही। मम्मी पापा ने खा लिया था, मुझे विक्रांत को डुगू को ब्रेकफास्ट नहीं करना था। बस विक्रांत ने और डुगू ने एक दो ब्रेड्स खा लिए थे ताकि दोपहर तक का काम चल जाए, क्योंकि बाहर खाने वाले थे हम। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना किचन का काम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हम फटाफट से रेडी होके निकल गए। हम निकल रहे हैं, पहले हम मामू मामी को पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे गुड़गांव। गाँव से निकल के हम लोग झज्जर गए थे मेरे मायके, और वहाँ से भैया भाभी को पिक किया था और उसके बाद हम लोग निकले थे गुड़गांव के लिए। तो यहाँ पे हम उनको पिक कर चुके हैं, मैंने वो बीच में शूट नहीं कर पाई थी, मैं भूल गई थी। एक नानी गई रूप, नानी घूम
रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी खाई, मच्छी मच्छी ने काटा तेरा मेरा चाटा, चाटा का जोश है बड़े अच्छे। नाना जी नमस्ते। किसकी पार्टी है, मामी का क्या है, बर्थडे? चलो सारे विश करो, मामी को क्लैपिंग करो, करो करो, अच्छे से करो भाई, ऐसे बोल के हैप्पी बर्थडे टू यू, खड़े हो जाओ। और ऐसे ही मस्ती करते करते हम कब गुड़गांव पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। और ये हमने गुड़गांव में जो मेन मतलब पॉश एरिया है जहाँ पे सारे मॉल वगैरह हैं वहाँ एंटर कर लिया है। उसके बाद हम गए थे जहाँ पे हमें लंच करना था, वहाँ पे आज का हमारा लंच होने वाला था पायरेट्स ऑफ ग्रिल में। यहाँ पे बफे सिस्टम होता है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी वीडियो में। तो उसके बाद हम वेन्यू के पास पहुंच गए, वहाँ पे वेटिंग चल रही थी तो बाहर बैठ के वेट कर रहे थे। ये डुग्गू अपने मामू के साथ मस्ती कर रही है, इसका ऑल टाइम फेवरेट काम है ये। मेरी आवाज़ पे मत जाना गाइस, क्योंकि मेरा गला बहुत बुरी तरह से ख़राब है, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना। यहाँ पे डुग्गू और मामी अपना फ़ोटो शूट कर रहे हैं। इसके बाद मामी को मिला था एक सरप्राइज़, मामी के ब्रदर्स मतलब भाभी के ब्रदर्स आए थे, उनको नहीं पता था। नहीं पता था, सच में नहीं पता था, लग तो नहीं रहा आपका रिएक्शन देख के पता था। कौन आ गए डुगु? और ये भाभी अपने छोटे भाई के साथ। इसके बाद बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली हमें एंट्री मिली। काफ़ी रश था उस दिन क्योंकि संडे था, तो संडे को मोस्टली लोग बाहर आ जाते हैं लंच वगैरह करने के लिए। तो हम लोगों ने जल्दी से अंदर जाके अपनी टेबल पे अपनी सीट ले ली और फिर हम वेट कर रहे थे। यहाँ पे विक्रांत जी बैठे हैं सीनियर सीट पे, बोल रहे हैं मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ तो मैं सीनियर सीट पे बैठूँगा, आई एम द मुखिया। यहाँ मम्मा और डुग्गू थोड़ा सा शूट कर रहे हैं अपना प्यारा प्यारा सा। उसके बाद हमारे जो स्टार्टर्स थे वो आना शुरू हो गए थे। टेबल पर ही ग्रिल होता है यहाँ पे, तो जिससे टेस्ट जो होता है वो काफ़ी अच्छा आता है, क्योंकि हम गरम गरम अपने अकॉर्डिंग ग्रिल्स में से निकाल के अपना जो भी टिक्का वगैरह होता है वो ले सकते हैं। टू टाइप्स का मेन्यू होता है, वन इज़ वेज एंड वन इज़ नॉन वेज। तो हम में से सिर्फ मेरा भाई रितेश और विक्रांत ने ही नॉन वेज लिया था, बाकी सब ने वेज लिया था। यहाँ पे डुगो एंजॉय कर रही है अपना सिंपल सा मील, हेल्दी मील, और हम सब ने भी काफ़ी एंजॉय किया था। मेन यहाँ पे जो मतलब जिस चीज़ पे फोकस किया जाता है वो स्टार्टर्स पे ही किया जाता है। काफ़ी अच्छे स्टार्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉर्न्स होते हैं, पनीर टिक्का, सोया चाप, और इसके अलावा आपके डिमसम्स होते हैं, और अलग अलग काफ़ी वैरायटी होती है। जैसे डुगू ने ले रखा है, स्प्राउट्स ले रखे हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, काफ़ी सारे वैरायटी होती है। आप लोग चेक इन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये जो होता है ये मेन मेन्यू होता है, इसमें से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मेन मेन्यू में भी काफ़ी वैरायटी होती है, और डेजर्ट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती हैं और काफ़ी सारी वैरायटी की होती है। गलत बात, चीटिंग कर गए आप, उसको आएगा, करो करो। एक्चुअली लव डेजर्ट्स, हमें मिठाइयाँ पसंद है। ये इनका बर्गर काउंटर टाइप्स था, मतलब कि यहाँ पे बर्गर या फिर स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ थिंग्स मिलती हैं, तो अगर उसमें से कुछ लेना चाहे तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे फिर फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया था। काफ़ी बोलने के बाद इन लोगों ने अपने फ़ोटोज़ वगैरह कराए थोड़े से, और इसके बाद आने वाली है डुग्गू और मामी के Thank you.
और यहाँ पे ये हमारा डुगू बेबी भुत्तू बन गया, अपना स्किन ट्रीटमेंट कर रहा है आई थिंक। ये देखो देखो कैसे रेस्ट फरमाया जा रहा है। शी इज सो क्यूट, इसकी जो छोटी छोटी हरकतें होती है ना उसकी वजह से हमारा दिल ही भर जाता है। डुगू अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही है, डुगू का ब्यूटी ट्रीटमेंट। वहाँ पे डुगू और मानू अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जब डुगू को अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इसकी सबके साथ, पहले भी दो तीन बार मिल चुकी है तो काफी अच्छे से जानने लगी है। बस इसी के साथ हमारा दिन वगैरह फिनिश हो गया और हम लोग निकल गए। चिंटू और मानू यहाँ से अपना दिल्ली चले गए, घर की तरफ निकल गए और हम लोग वापस झज्जर की तरफ निकल गए। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हम सबको साथ देखना, हमारी वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।